दोस्तों, आज हम जिस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, वहां स्थापित मां काली का इतना विकराल रूप है जिसे अगर आपने एक टक देख लिया तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में, और आज हम बात करेंगे मां काली कलकत्ते वाली के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात कालीघाट के उन रहस्यों के बारे में जिसे सुनकर आप एक बार इस मंदिर के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कालीघाट काली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े, धारण किए गए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। ये बेहद पावन तीर्थ स्थान कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। कालीघाट का ये काली मंदिर भी एक शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ सती के दाएं पांव की चार उंगलियों का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति काली का व भैरव नकुलेश है। इस पीठ में काली की भव्य प्रतिमा मौजूद है जिनकी लंबी लाल जिहा मुख से बाहर निकली है। मंदिर में त्रिनयना माता रक्तांबरा, मुंडमालिनी, मुक्तकेशी भी विराजमान है। पास में ही नकुलेश का मंदिर भी है। कालीघाट मंदिर में देवी की प्रतिमा में माँ काली का मस्तक और चार हाथ नजर आते हैं। ये प्रतिमा एक चौकोर काले पत्थर को तराश कर तैयार की गई है। यहाँ माँ काली की जीभ काफ़ी लंबी है जो सोने की बनी हुई है और बाहर निकली हुई है। दांत सोने के हैं, आँख तथा सिर गेरुआ सिंदूर के रंग से बना है और माथे पर तिलक भी गेरुआ सिंदूर का है। प्रतिमा के हाथ स्वर्ण आभूषणों और गला लाल पुष्प की माला से सुसज्जित है। इसके अलावा मंदिर में कुंडूपुकुर नाम का एक पवित्र तालाब है जो मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है। इस तालाब के पानी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पानी में स्नान मात्र से हर मन्नत पूरा करने की शक्ति होती है। यहाँ माँ काली के अलावा शीतला, पिष्टी और मंगला चंडी के भी स्थान है। मंगलवार और शनिवार के साथ अष्टमी को विशेष पूजा की जाती है और भक्तों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। ये मंदिर सुबह 5 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक खुला रहता है। बीच में दोपहर में ये मंदिर 2 से 5 बजे तक बंद कर दिया जाता है। इस अवधि में भोग लगाया जाता है। सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है, पर भक्तों के लिए मंदिर सुबह 5 बजे ही खोला जाता है। एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भक्त ने भागीरथी नदी से प्रकाश की उज्ज्वल किरण देखी। उसने माँ की पिंडियों को खोजा जहाँ उसे नकुलेश भैरव का एक स्वयंभू लिंग भी मिला। इन छवियों को उसने छोटे से मंदिर में रखा और जंगल में इनकी पूजा करने लगा। मंदिर की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ती चली गई और इस तरह कालीघाट मंदिर को मान्यता मिली। 51 शक्तिपीठों में से प्रमुख कालीघाट के बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ काली जागृत अवस्था में है। यहाँ जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माँ के पास आता है, उसकी रक्षा माँ अपने बच्चों की तरह करती है। दोस्तों, अगर आपने कालीघाट में स्थित माँ काली के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।